अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि तीसरे नंबर की फिर अब की बार इमरान मसूद लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब की बार आपको क्या लगता है कि तीसरे नंबर की लड़ाई है या पहले नंबर की लड़ाई है अब की बार? तो उन बयानों को क्या देखते हैं, क्योंकि लोग अभी उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी नीयत और इनकी जो सोच है वो ऐसी ही है कि हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो कैसे, कुछ कांग्रेसी लोग ये भी कह रहे थे कि राघव लखन पाल का टिकट अगर जो हो जाता है तो टक्कर बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर जो राघव का टिकट नहीं होता हम पूरी जीत पे आ जाएंगे। तो कैसे देखते हैं, अब तो राघव लखन पाल फिर 2014 वाली आमने सामने वाली बात हो गई, अब क्या कहेंगे उस पर? मैं रोज़ पुलिस लाइन जाता हूँ, रोज़ कलेक्ट्रेट आता हूँ, मुझे कोई नेता नहीं दिखता जो खड़ा हो अपने लोगों के लिए लड़ रहा हो। बातें करने के लिए 6 महीने पहले चुनाव से उठकर सब आ जाते हैं, लंबे लंबे कसीदे सब पढ़ देते हैं, लेकिन जब तपती हुई धूप में और गरजती हुई ठंड में लोगों की मदद करने का समय आता है, लोगों का काम करने का समय आता है, तो कोई नहीं दिखता। और आज नामांकन करने के लिए इमरान मसूद यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन उनके दामाद सयान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तो टक्कर की लड़ाई होनी शुरू हो चुकी है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कैसे देखते हैं सयान भाई, अब तो नामांकन होने वाला है, आज हो जाएगा और फिर उसके बाद अब तो मैदान में उतरना पड़ेगा, तो अपनी म्यान और तलवारें सब आपने सेट करके रख ली हैं कि कैसे कैसे अब चलानी है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है? सार्थक भाई, म्यान और तलवारें ना कहो, पता चले म्यान और तलवारें पे कल प्रशासनिक मुकदमा मेरे ऊपर लिख दे। म्यान तलवारों का चुनाव नहीं है, हम तो प्यार और मोहब्बत से फील्ड में उतरे हैं और पूरी तैयारी है। निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि एक बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, कुछ कांग्रेसी लोग ये भी कह रहे थे कि राघव लखन पाल का टिकट अगर जो हो जाता है तो टक्कर बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर जो राघव का टिकट नहीं होता हम पूरी जीत पे आ जाएंगे। तो कैसे देखते हैं, अब तो राघव लखन पाल फिर 2014 वाली आमने सामने वाली बात हो गई, अब क्या कहेंगे उस पर? सार्थक भाई, ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का है ही नहीं, ये चुनाव ना तो राघव लखन पाल का है ना इमरान मसूद साहब का है, ये चुनाव देश और संविधान बचाने का चुनाव है। हर वो आदमी जो अपने देश से मोहब्बत करता है, हर वो आदमी जो ये चाहता है कि हिंदुस्तान प्रगति की तरफ जाए, उन्नति की तरफ जाए, खुशहाली की तरफ जाए, और वो ये चाहता है कि इस देश का नौजवान, इस देश का युवा आगे बढ़े, तो उसको इंडिया गठबंधन का साथ देना पड़ेगा। अच्छा, अगर जो इमरान भाई की बात करी जाए, वैसे तो वो कांग्रेस में आ चुके हैं, लेकिन रात उन्होंने लाइव करा, उन्होंने बसपा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बोली कि मैं बसपा के साथ था, बसपा ने मुझे निकाल दिया, अब बहन जी के साथ मैं आज भी हूँ, आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो आखिर अभी भी क्या हो रहा है, क्या दिल में अभी भी कहीं ना कहीं टीज है वो वाली? देखिए, सम्मान, हम एक समाज में रहते हैं, राजनीति उस समाज का एक हिस्सा है, लेकिन बड़ों का आदर और सम्मान हमारी सभ्यता का हिस्सा है और आदर सम्मान बड़ों का होना चाहिए। रही बात जो रात इमरान मसूद साहब लाइव आए, राजनीति में विचार विमर्श होते रहना चाहिए, आदमी को अपने ख्यालात व्यक्त करते रहने चाहिए। हम लोग किसी का भी जो है वो बेइज्जती नहीं करना चाहते। अच्छा। हमने एक बात रखी है, क्या हमारे साथ हुआ, वो रखी बड़े पापा ने, आपने देखा, सभी ने देखा होगा, आपके व्यूअर्स ने भी देखा होगा, मैं दोहराना नहीं चाहता उस बात को। तो यकीनन देखिए, विचार विमर्श ही राजनीति का नाम है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि तीसरे नंबर की फिर अब की बार इमरान मसूद लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब की बार आपको क्या लगता है कि तीसरे नंबर की लड़ाई है या पहले नंबर की लड़ाई है अब की बार? नहीं, पहले नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब, और आप देखिएगा, हमारा और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने का मुकाबला है। अच्छा, आमने सामने का मुकाबला, कोई नहीं है चुनाव में, आमने सामने की हम लड़ाई लड़ेंगे। दो ही रास्ते हैं इस देश को बचाने के लिए, एक तरफ तो वो लोग खड़े हैं जो इस देश को आग में सुलगा देना चाहते हैं, जिनका देश के नौजवान से, देश के किसान से, उनके रोजगार से कोई मतलब नहीं है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो देश को आगे लेकर जाना चाहता है, देश के लिए अच्छी सोच रखता है। तो मुझे यकीन है साहब कि इस देश की जनता जनार्दन अपने लिए अक्ल सलाहियत के फैसले लेने का काम करेगी। अच्छा, एक और सवाल है, कुछ पुराने बयान है, हालांकि मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे भी बयान है जो गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं, 2014 की बात कर लें या उसके बाद के भी बयान बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो उन बयानों को क्या देखते हैं, क्योंकि लोग अभी उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी नीयत और इनकी जो सोच है वो ऐसी ही है कि हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तो कैसे देखते हैं उस पर? देखिए, मेरे परिवार का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, काजी रशीद मसूद साहब ने सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर चले हैं और हमेशा सर्व समाज को साथ रखा है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई समाज ऐसा नहीं रहा जिस समाज का विधायक काजी रशीद मसूद साहब ने ना बनाया हो। आज नॉमिनेशन करने आए हैं हम,
आप हमारे साथ देखिए, हर समाज का आदमी हमारे साथ है। ये बातें बेबुनियादी बातें हैं। ये बातें वो लोग करते हैं जिन्हें इल्म नहीं है। ये बातें वो लोग करते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि इतिहास है क्या। इनकी ऐसे लोगों की बातों को कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। अच्छा, क्या मुद्दा लेकर उतरने वाले हैं आप भी? मैंने देखा है आप क्षेत्र में जाते रहते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, और नौजवान भी हैं। और अब कैसे देखते हैं, कौन सा मुद्दा ऐसा होगा कांग्रेस के पास और समाजवादी पार्टी के पास जो अपनी तरफ अपने वोट बैंक को खींच पाए और उनको जीत के उस पर लेकर जाए? क्योंकि माजिद अली खड़े हैं सामने, देखा होगा गाढ़ा समाज से आते हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज मेरे साथ बहुत एक तरफा मेरे साथ है और दलित समाज मेरे साथ एक साथ है। तो रात इमरान जी ने जो लाइव किया उसमें उन्होंने बोला कि दलित और मुस्लिम अब की बार मेरे साथ है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या सच में ही ऐसा कुछ समीकरण है या फिर नहीं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये चुनाव हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हर उस आदमी का चुनाव है जो देश को बचाना चाहता है। ये सब बातें बेबुनियादी हैं कि साहब मेरे साथ फलाएं हैं, मेरे साथ फलाएं हैं। आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, आप कितने लोगों के काम करा पाते हैं? नेता की सबसे बड़ी अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो ये है कि अपने लोगों के लिए वो सुख और दुख में खड़ा हो जाए। मैं रोज़ पुलिस लाइन जाता हूँ, रोज़ कलेक्ट्रेट आता हूँ, मुझे कोई नेता नहीं दिखता जो खड़ा हो अपने लोगों के लिए लड़ रहा हो। बातें करने के लिए 6 महीने पहले चुनाव से उठकर सब आ जाते हैं, लंबे लंबे कसीदे सब पढ़ देते हैं, लेकिन जब तपती हुई धूप में और गरजती हुई ठंड में लोगों की मदद करने का समय आता है, लोगों का काम करने का समय आता है, तो कोई नहीं दिखता, हमारे अलावा कोई नहीं दिखता। तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि जनता जनार्दन को भी पता है कि कौन काम कराता है, कौन नहीं कराता। ये तो सब बेबुनियादी बातें हैं कि साहब ये लोग मेरे साथ हैं, वो लोग मेरे साथ हैं। जब लोग रो रहे हैं, तरस रहे हैं, तरसते हैं, उनके साथ कौन है? उनके साथ हम हैं, और मुझे यकीन है कि वो लोग हमारे साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ठीक है, तो आपने देखा शायन मसूद हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनसे बातचीत करी, इन्होंने अपनी बेबाक तरीके से राय रखी। आपको एक खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।